हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको खूबसूरत सा स्वेटर डिज़ाइन बताने जा रही हूँ जो आप लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बेबी, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये 6 रो का डिज़ाइन है और 4 के मल्टीपल फंदे से ये डिज़ाइन बनता है। तो ये मैं फंदा, नॉर्मल फंदा जिस तरह से डलता है, नॉर्मल फंदा डाल चुकी हूँ और उल्टा रो, 1 रो उल्टा काटा बिन चुकी हूँ, 1 रो उल्टा बिन चुकी हूँ। अब ये सीधा राइट साइड, रॉन्ग साइड उल्टा बिन चुकी हूँ, राइट साइड में अब आपको मैं डिज़ाइन बताऊंगी कि किस तरह से आप डिज़ाइन बनाइएगा। तो देखिए, पहला फंदा, इसमें मैं 30 फंदा डाली हूँ। 4 के मल्टीपल फंदा से ये डिज़ाइन बनता है। 2 फंदा एक्स्ट्रा रखी हूँ दोनों तरफ सिलाई के लिए। तो ये सीधा वाला सिलाई वाला इस तरह से उतारिए, उनको आगे कीजिए और 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर उनको पीछे कीजिए, 2 फंदा सीधा, फिर उनको आगे कीजिए, 2 फंदा उल्टा, फिर उनको पीछे कीजिए, 2 फंदा सीधा। इसी तरह से ये पूरा रो आप कंप्लीट कीजिए, 2 उल्टा 2 सीधा करते हुए। ये 2 उल्टा सीधा करते हुए लास्ट आ गया, लास्ट में 1 बचा है, देखिए एक फंदा जो सिलाई के लिए है, उसको भी आप सीधा बिन लीजिए। अब ये आ गया डिज़ाइन का दूसरा रो, उल्टा साइड, रॉन्ग साइड, इसको भी आप, ये देखिए सीधा सिलाई वाला है और उसके बाद 2 सीधा, फिर उन आगे कीजिए, 2 उल्टा, जो जिस तरह है उल्टा को उल्टा और सीधा को सीधा, दोनों साइड से बॉर्डर की तरह आपको ये 4 रो कंप्लीट कीजिए। अभी ये दूसरा रो है, देखिए इस तरह से ये 4 रो आप कंप्लीट कीजिए। अभी दूसरा रो इसी तरह कंप्लीट होगा, फिर उधर से तीसरा रो, फिर इधर से चौथा रो। अब ये देखिए, ये 4 रो कंप्लीट हो चुका है, डिजाइन का चौथा रो कंप्लीट हो चुका है, वही 2 उल्टा 2 सीधा और साइड वाला उतारते हुए सिलाई वाला। क्या करना है आपको, अब देखिए 5वां रो में ये वाला सीधा इस तरह से उतारिए, ये 2 उल्टा बिन लीजिए, अब उन पीछे कीजिए। अब देखिए यहाँ से तीसरा वाला से लूप लेना है आपको, 1 देखिए, 1 ये देखिए, 1 2 और ये 3, यहाँ से देखिए, ये साइड से देखिए, 1 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 3 के नीचे से इस तरह से ये फंदा इस तरह उठाइए और फिर ये दोनों सीधा बिन लीजिए, 1 2, अब फिर यहाँ 1 2 और ये 3, 3 के नीचे से 1 लूप हो गया, फिर उनको आगे कीजिए, फिर 2 उल्टा, फिर उनको पीछे कीजिए, फिर देखिए ऐसे ही गिन के देखिए, 1 2 ये 3, 3 के नीचे से 1 लूप और ये सीधा, फिर यहाँ 1 2 3 दिखाई देता है आराम से, देखिए 3 का दोनों के तरफ से 1 1 लूप, फिर उनको आगे कीजिए, फिर 2 उल्टा, फिर उनको पीछे कीजिए, फिर देखिए 1 2 3 ये, फिर 2 सीधा, 1 2, फिर 1 2 3, फिर उनको आगे कीजिए, 2 उल्टा, फिर उनको पीछे कीजिए, 1 2 3, इसी तरह से ये पूरे रो कंप्लीट कीजिए आप। अब डिजाइन का ये 5वां रो कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब ये डिजाइन का आ गया 6ठा रो, तो ये देखिए इस तरह से, 1 ये लूप वाला जो है उसको आपको इस तरह से स्लिप करना, बिनना नहीं है, स्लिप कर लीजिए और ये दोनों बीच वाला उल्टा, फिर ये लूप वाला स्लिप करना, फिर उनको आगे कीजिए, देखिए इधर से सीधा है, ये दोनों सीधा, फिर उन पी आगे कीजिए इस तरफ से,
लूप वाला उतारिए और ये दोनों, फिर लूप वाला उतारिए, फिर इसको आगे करके दोनों सीधा, फिर उनको आगे कीजिए, लूप वाला उतारिए, दोनों बिनिए, फिर इसको आगे कीजिए, फिर ये उल्टा, इसी तरह से ये पूरा रो कंप्लीट कीजिए आप। अब ये डिजाइन का छठा रो कंप्लीट हो चुका है। अब डिजाइन का आ गया देखिए सातवां रो, उसमें क्या करना है आपको, देखिए इसको इसी तरह से उतारना है, उनको आगे कीजिए, दोनों उल्टा को उल्टा ही बिनना है। अब ये जो है लूप वाला फंदा और ये दो बीच वाला और ये इधर के इधर का लूप वाला, ये लूप वाला, ये दोनों बीच वाला और ये पीछे वाला लूप वाला, चारों को एक साथ आप पीछे साइड से इस तरह से, ये देखिए इस तरह से निकालिए और इसको अभी स्लिप नहीं कीजिए। फिर इस चारों को आपको एक दो तीन चार, चारों को फिर आगे साइड से, देखिए चारों को इस तरह से आगे साइड से फिर एक बार लेना है आपको, ये देखिए ये हो गया। फिर दो का दो फंदा रह गया, बीच में जो बढ़ा था आपका वो दो फंदा घट गया, ये एक डिजाइन बन गया। फिर उनको आगे कीजिए, ये दोनों उल्टा, फिर उनको पीछे कीजिए, फिर ये लूप वाला, ये बीच वाला दोनों और ये लूप वाला, चारों को इस तरह से देखिए घुमा के इसलिए लीजिए, इजी लिया जाता है, अगर आप सिंगल लेते हैं तो स्लिप हो जाता है, नहीं लिया जा रहा है जल्दी से। और फिर इस चारों को आगे साइड से इस तरह से, देखिए इस तरह से अगर आप लीजिएगा तो इजीली लिया जाएगा, देखिए आ गया दूसरा डिजाइन, ये हो गया देखिए। फिर उनको आगे कीजिए, फिर इस चारों को देखिए इसी तरह से, कितना आसानी से हो जाता है डबल करने के बाद, सिंगल में बहुत परेशानी होता है निकालने में, देखिए कितना आसानी से आ गया। इसी तरह से आप ये पूरा रो कंप्लीट कीजिए। अब ये रो देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब आ गया इसका रॉन्ग साइड, एट्थ रो, इसमें क्या करना है आपको, बस जो फंदा जिस तरह है उसी तरह आपको बनाना है, ये इस तरह से और ये दोनों सीधा है तो सीधा बिनना, फिर ये दोनों उल्टा है तो उल्टा बिनना, इसी तरह से ये रो पूरे आप कंप्लीट कीजिए। फिर इसी तरह से चार रो आप उल्टा सीधा बिन के कंप्लीट कीजिए सेम प्रोसेस से। चार रो के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से, फिर उसी सेम प्रोसेस से आप उसी तरह तीन के बाद फंदा उसी तरह से आप यहां से निकालिएगा। देखिए ये हो गया, अब फिर दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा डिजाइन, एक रो ये हो गया, दूसरा रो अब फिर यहां से उल्टा पे उल्टा सीधा पे सीधा, ये आप इसी तरह से फिर चार रो बना के कंप्लीट कीजिए। देखिए इसी तरह से उल्टा पे उल्टा और सीधा पे सीधा, अब ये चार रो दो उल्टा दो सीधा करके कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या करना है आपको, ये सिलाई वाला फंदा उतारना है, फिर उनको आगे कीजिए,
देखिए दो उल्टा, फिर उनको पीछे कीजिए, सेम प्रोसेस, एक एक दो, ये तीसरा देखिए, एक दो, ये तीन, तीन से फिर इसी तरह लूप निकालिए और ये दोनों सीधा बिन लीजिए, फिर एक दो तीन, फिर इससे इसी तरह लूप निकालिए, फिर उनको आगे कीजिए, फिर दो उल्टा, फिर उनको पीछे कीजिए, फिर एक दो तीन, फिर ये दोनों सीधा, फिर एक दो तीन, फिर लूप निकालिए, फिर उनको आगे कीजिए, फिर दो उल्टा, सेम प्रोसेस है। इसी तरह से आप ये दूसरा फिर डिज़ाइन सेम जिस तरह इस यहाँ बनाई इसी तरह बनाइए, और उल्टा रो में स्लिप वाले को उतारना है और उल्टा को उल्टा सीधा सीधा बिनना है आपको। इसी तरह से ये पूरे डिज़ाइन बनेगा। मैं थोड़ा सा बड़ा बना के आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लगेगा आपका ये डिज़ाइन। अब ये देखिए, ये इस तरह से बन के आपका कंप्लीट होगा ये डिज़ाइन। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं। बहुत आसानी से बनता है और खूबसूरत भी लगता है। जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, बॉयज गर्ल्स, हर किसी में आप कोई भी प्रोजेक्ट में डालकर ये बनाइए, बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए कितना आसान है और कितना अच्छा भी लगता है, हल्का कलर में तो और खिल के आता है। देखिए अगर इसमें कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।